हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल वो वाहि चैनल है जो आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता रहा होता है कि मार्केट ने कहाँ से बाय होना है, कहाँ से सेल होना है। जो न्यूबीज हैं जिन्हें फॉरेक्स मार्केट का जरा भी आइडिया नहीं है, वो भी इजिली इस मार्केट से बैठ के पैसा बना सकते हैं और हमारी वीडियो देखने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन आज की वीडियो हमारी एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा, आज की वीडियो थोड़ी सी एजुकेशनल है। लास्ट वीक आपने वेनसडे वाले दिन देखा कि बहुत ज्यादा एक आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी नजर आई, एक अच्छी मूवमेंट नजर आई। अब उसके बैक एंड पे रीजन क्या है, एफएमसी क्या काम करती है, ये क्यों आती है, इसका क्या रोल है, और ये जो रेट डिसाइड करती है वो क्यों डिसाइड करती है, ये चीजें आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और आज मैं आपको बताता हूँ एफएमसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो एफएमसी वाले दिन क्या करते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, वहां जाके आपका अल्लाह भला करे जी, जो देखते हैं फेडरल फंड रेट अगर रेड कलर में आया तो बाय कर लेते हैं, ग्रीन कलर में आया तो सेल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इस चीज के बैक एंड के कॉन्सेप्ट को समझें और इसको डिटेल स्टडी करें ताकि आपको एक हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है जी, अब सबसे पहले मैं आपको एफएमसी के बारे में बताता हूँ। एफएमसी की बेसिकली इसकी अब ये नॉर्मल सारे सबको पता होगा, एफएमसी की जो एब्रीवेशन है वो है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ठीक है, ये साल में 8 दफा बैठती है, अनाउंस होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, और जो ये सिंगल एंटिटी नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सिंगल एंटिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, लेकिन जो एफओएमसी है सिंगल एंटिटी नहीं है, ये अमेरिका के 12 फेडरल बैंक हैं जिनसे मिलकर ये ग्रुप बनता है, और उसके अंदर सबसे जो मेजर फेडरल बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, और इसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, बोर्ड मेंबर होता है, वो एफओएमसी का, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एफओएमसी का बेसिकली ये है क्या चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब जो जो 12 फेडरल बैंक्स हैं इनका रोल क्या है, जिन सारों से मिलकर ये एफओएमसी बनती है। अब इनका रोल ये होता है कि जितने 12 फेडरल बैंक्स हैं, इनका काम ये होता है कि पूरे यूएसए में जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारों का रिजर्व अपने पास मेंटेन करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये सारे कमर्शियल बैंक्स का, ये 12 फेडरल बैंक्स जो हैं सारे कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व को अपने पास मेंटेन रखते हैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये ए बैंक फेडरल बैंक, एक बी फेडरल बैंक, ये मैं उन दो बैंक्स की एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो 12 में, जिनको आपको बता रहा हूँ कि 12 फेडरल बैंक जिनसे मिलकर एफएमसी बनती है, उनमें से एक ए बैंक है, सपोज एक बी बैंक है। अब इसने रिजर्व मेंटेन करना था इन कमर्शियल बैंक्स का $100, इसने बी बैंक ने मेंटेन करना था $100, लेकिन हुआ क्या कि ए बैंक ने मेंटेन किया $110 और बी बैंक ने मेंटेन किया $90। अब जो $10 सरप्लस इसने मेंटेन किया है, ठीक है, ए बैंक ने, ये क्या करेगी, ये इस बी बैंक को लेंड कर देगी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, और स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट आपस में ये निगोशिएट करके फाइनलाइज करते हैं और उस बेस पे लेंडिंग करते हैं, और इस तरह फिर दोनों के पास $100 रिजर्व मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं, अगर हम इस जो इंटरेस्ट रेट पे जिसपे लेंडिंग कर रहे हैं, अगर हम उसकी वेटेड एवरेज निकालें ना, तो निकलता है इफेक्टिव फेडरल फंड रेट निकलता है इससे। ठीक है, या बड़ा स्लो स्लो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इस सारी एक दफा एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब ये जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट है, जब इसकी अगर हम वेटेड एवरेज निकालें तो इससे निकलता है इफेक्टिव फेडरल फंड रेट। ठीक है, लेकिन जो एफओएमसी है जो साल में 8 दफा आती है, जिसका भी मैंने प्रीवियस आपको बताया, जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, वो जो एफओएमसी है वो बेसिकली इफेक्टिव फेडरल फंड रेट नहीं देती, वो इनको देती है टारगेट फेडरल फंड रेट। ठीक है, और जो ये इफेक्टिव फेडरल फंड रेट होता है, ये इन लोगों की कोशिश ये होती है, इन फेडरल बैंक्स की, कि जो इफेक्टिव फेडरल फंड रेट को मैक्सिमम इस टारगेट फेडरल फंड रेट के पास लेके जाया जा सके। ठीक है, ये है फेडरल बैंक्स का रोल। एफओएमसी
क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फेडरल बैंक्स क्या करती है, फेडरल बैंक्स सारे कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स को अपने पास मेंटेन करती है। जब कोई रिजर्व किसी एक फेडरल बैंक के पास सरप्लस या लेस होता है, वो एक दूसरे को लेंडिंग करके उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसको जब लेंडिंग करते हैं वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग करते हैं, और वो जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है अगर हम उसकी वेटेड एवरेज निकालें तो उससे इफेक्टिव फेडरल फंड रेट निकलता है। और इनकी कोशिश ये होती है कि जो इफेक्टिव फेडरल फंड रेट है इसको टारगेट फेडरल फंड रेट से मीट किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई एफएमसी क्या है और फेडरल बैंक्स के रोल क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि फेडरल फंड रेट इंक्रीज और डिक्रीज क्यों किया जाता है, इसके बैकएंड पे क्या रीजन क्या होती है कि मतलब ये जब जब ये फेडरल फंड रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी जो आपको देखने को मिलती है, इसकी बैकएंड पे रीजन क्या होती है, क्यों इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 1980 में जो फेडरल फंड रेट था वो 20% था। ठीक है, और जबकि 2007 में जब रिसेशन टाइम चल रहा था तो फेडरल फंड रेट था 0% से 2.5%, इतना कम था। ठीक है, अब इसको ये कम और ज्यादा करने की रीजन क्या है, मतलब ये इंटरेस्ट रेट को कम और ज्यादा करने की रीजन क्या होती है। फेडरल फंड रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब इसको जब जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, करेंसी को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट जो फेडरल फंड रेट है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। जब करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, जब जब वो चाहती, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता ये है कि जितने लोगों का मार्केट में पैसा पड़ा होता है वो क्या करते हैं, उन पैसों को उठा के बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक गवर्नमेंट की कस्टडी, जितना पैसा होता है वो मार्केट से निकल के बैंक्स के पास आ जाता है, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में आ जाता है, और मार्केट से कैश फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, करेंसी हमारी थोड़ी यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाती है। ये इसके बैकएंड पे रीजन होती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की। और वो एक और भी तरीके से इसको लोन का पैसा एक और तरीके से भी अपने पास वो ला सकते हैं मार्केट से कैश फ्लो कम करने के लिए, कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने बॉन्ड्स वो सेल आउट कर देते हैं मार्केट में। ठीक है, ये एक तरीका होता है अपनी मार्केट अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करने का कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। और ये इंटरेस्ट यही वो इंटरेस्ट रेट होता है जब एफओएमसी आती है तो उसमें फेडरल फंड रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है जिसकी बेस पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही होती है। अब ये इंटरेस्ट रेट कम कब करते हैं, जब ये लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करें, मार्केट में कैश फ्लो को इंक्रीज करें, लिक्विडेशन को इंक्रीज करें, वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। ठीक है, यहां तक अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फेडरल फंड रेट इंक्रीज और डिक्रीज क्यों किया जाता है। ये इंटरेस्ट बढ़ाया इसलिए जाता है ताकि करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, मार्केट से कैश फ्लो को कम किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं जब उन्होंने नोट को ज्यादा प्रिंट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसीलिए होता यह है कि जब एफएमसी में न्यूज आती है, जब फेडरल फंड रेट मोर देन फोरकास्ट होता है, ठीक है, जब ज्यादा आया होता है, तो वो क्यों कहते हैं कि वहां पे गुड फॉर करेंसी है, वो इसीलिए कह रहे होते हैं, इसके बैक एंड पे सारी स्टोरी ये होती है। ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट लेस देन फोरकास्ट आता है, कम आता है, तो वो नॉट गुड फॉर करेंसी होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एफएमसी क्या है, एफएमसी किस तरह बनती है, और उन फेडरल जिन 12 फेडरल बैंक से मिलकर बनती है उनका क्या रोल होता है, और जो आगे ये जो एफएमसी फेडरल फंड रेट डिसाइड करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, वो क्यों करती है। ठीक है, यहाँ तक हर चीज क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि एफएमसी की जब न्यूज आती है और ये जो फेडरल फंड रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या कम किया जाता है, उससे पूरी यूएसए की इकोनॉमी, इवन के ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का अभी टॉपिक नहीं है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं फिलहाल सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ कि जब फेडरल फंड रेट बढ़ाया या कम किया जाता है तो यूएस में उससे क्या इफेक्ट होते हैं, यूएस की इकोनॉमी पे, यूएस की इकोनॉमी पे इतने इफेक्ट होते हैं कि फेडरल फंड रेट बढ़ाने या घटाने से होम लोन इफेक्ट होता है। ठीक है, एक एक मिनट सिर्फ मैं आपको ये चीज कर दूं। ठीक है, इसका जो है अल्लाह भला करे होम लोन एक इफेक्ट होता है फेडरल फंड रेट बढ़ाने या घटाने से। ठीक
और आपका इवन के एजुकेशनल लोन इफेक्ट होता है, आपका क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इफेक्ट होता है यूएसए में, और इवन के स्टॉक मार्केट भी इफेक्ट होती है इस दिन जब ये फेडरल फंड रेट इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। स्टॉक मार्केट कैसे इफेक्ट होती है, मतलब सपोज अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कैश पंपिंग हो जाएगा, तो उससे ये होगा कि स्टॉक मार्केट की प्राइजेस अपसाइड की तरफ मूव कर जाएंगी। ठीक है, इसका हर जगह पे पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है इस दिन, इस वजह से मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है एफएमसी वाले दिन, जो वेनसडे को आपने देखी। ठीक है, ये मेरा आज का मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं कि इसके बैक एंड पे सारा कॉन्सेप्ट क्या है और ये सारी इतनी वॉलेटिलिटी हमें देखने को क्यों मिलती है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं वो क्यों बन रही होती हैं, वो सारी इसी वजह से बन रही होती हैं कि इनके बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।